बारे में है कि हाल ही में हुकूमत ने कुछ ऑर्डिनेंसेस इशू किए और कुछ नोटिफिकेशंस और ऑर्डिनेंसेस और नोटिफिकेशंस की वजह से हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर तब्दीलियां पैदा हुई। वो तब्दीलियां ऐसी हैं कि जिनके बारे में ख्याल है लोगों का, ये मनफी तब्दीलियाँ होंगी सारी की सारी, बल्कि यकीनन मनफी तब्दीलियाँ होंगी। तो इस बात पर 15 लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। 15 में कई लोग कराची के हैं, कई लाहौर के हैं, कई इस्लामाबाद के हैं। पिटीशन दायर की है और इस पिटीशन में उन्होंने ये मुतालबा किया है कि कोर्ट इन ऑर्डिनेंसेस को, जो कि सदर ने भी नाफिज किए हैं, इनको नल एंड वॉइड करार दें। तो सदर ने एक नोटिफिकेशन, दो नोटिफिकेशन निकाले थे, पहला 26 मार्च को, दूसरा 5 अप्रैल को, और इन दो नोटिफिकेशंस के ज़रिए से उन्होंने कहा कि जो HEC के अंदर अब चेयरमैन का ओहदा 4 साल की बजाय 2 साल का हुआ करेगा, और उसके अलावा HEC अपने तमाम मामलात, उसके जो कुछ भी मामलात हैं उनके बारे में फ़ैसले जो भी करेगी उसको मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन जो यहाँ पे है वो अप्रूव करेगी, उसकी अप्रूवल के बग़ैर कोई काम नहीं होगा। ये दो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली और उनके साथ उन्होंने ये बता दिया कि इन नोटिफिकेशंस के तहत, इन ऑर्डिनेंसेस के तहत जिस चेयरमैन की मुद्दत 2 साल पूरी हो गई अब वो फिर फारिग हैं, वो चले जाएँ। तो लिहाजा यहाँ पहले इन्होंने 2 साल पहले डॉक्टर तारिक बनूरी को लगाया था चेयरमैन HEC का, तो उनकी मुद्दत पूरी हो गई और इस वजह से उनसे कहा गया कि जी आप फारिग हैं, आप चले जाइए। इसके बाद दीगरे नोटिफिकेशन आई मिनिस्ट्री से कि अब ये यहाँ के चेयरमैन नहीं रहे, अभी किसी नए चेयरमैन का तायुन नहीं किया गया, तकरर नहीं किया गया, और इनको कह दिया गया कि जी आप फारिग हैं, इनकी जगह पे एक मेंबर HEC को, जो कि बलूचिस्तान के रिटायर्ड वाइस चांसलर हैं, उनको इनकी जगह पर एंटरिम चेयरमैन बनाया गया है। ये तो हुआ, मगर ये बताया तारिक बनूरी साहब ने कि दरअसल कुछ अरसे से, इन नोटिफिकेशन आने से कुछ अरसे पहले से HEC के ख़िलाफ़ और डॉक्टर बनूरी के ख़िलाफ़ काफ़ी मीडिया कैंपेन चलाई गई, ये बताने की कोशिश की गई कि जहाँ पे बड़ी ख़राबियाँ हैं उनको ख़त्म करना चाहिए वगैरह, और उसकी तफसीलात जो हैं वो इसमें दी हुई भी हैं कुछ पिटीशन के अंदर। लेकिन अहम बात जो है वो ये है कि तारिक बनूरी साहब ने उनका अंदाज़ा ये लगाया कि असल में ये कैंपेन जो है इस वजह से हो रही है कि मुल्क के अंदर कराची में एक इंस्टीट्यूशन है जिसने तकरीबन कोई 40 बिलियन रुपए हासिल किए ओवर द ईयर्स, कई सालों में, और उनका जब उन्होंने हिसाब करने की कोशिश की कि उसका नतीजा क्या रहा, उसके नतायज क्या रहे, उससे कितनी रिसर्च हुई वहाँ पर और कितनी तरक्की हुई है, तो उस पर उस इदारे ने साफ इनकार कर दिया कि आप हमारा आप एहतसाब नहीं कर सकते, आपको कोई अख्तियार नहीं है। हालांकि पैसे HEC ने दिए थे, उन्होंने कहा कि आप हमसे कोई हिसाब नहीं ले सकते, और उन्होंने जाकर प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से बाकायदे नोटिफिकेशन निकलवा दी कि HEC को कोई अख्तियार नहीं है कि इस इदारे से जाकर एहतसाब मांगे। ये बहुत अच्छी, ये बात ऐसी सीरियस बात थी कि आप किसी इदारे को बिल्कुल ही जवाबदही से अलहदा कर दें। इस बात के ऊपर जब इन्होंने एहतजाज करना शुरू किया तो उसके बाद फिर ये ऑर्डिनेंसेज आ गए जिसका मैंने जिक्र किया, और इनके ज़रिए से चेयरमैन को हटा दिया गया। तो चेयरमैन इस वक्त जो है कम अज़ कम सरकारी तौर पर वो चेयरमैन नहीं है, जबकि वो समझते हैं कि अभी उनका वो बात गलत हुई है। तो ये बात जो है फिर इन्होंने चैलेंज की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में,
15 लोगों ने इसको चैलेंज किया है। इसके जो जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनके अंदर सदर भी हैं, उनके अंदर फेडरेशन से कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं, उसके तहत उसमें मिनिस्टर भी हैं, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी है, हायर एजुकेशन कमीशन भी है, और ख़ुद डॉक्टर तारिक बंदूरी भी हैं इसके अंदर रिस्पॉन्डेंट के तौर पर, ताकि वो जवाब दे सकें कि वो क्यों ये सब समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और पिटिशन करने वाले 15 लोग हैं पूरे पाकिस्तान से। हाई कोर्ट ने फौरन इसको जिस दिन पेशी हुई उन्होंने फौरन इसको मंजूर कर लिया और 8 तारीख मुकर्रर की है इसकी हियरिंग की। आज छः है। तो मंडे ट्यूसडे को उन्होंने मुकर्रर की है तारीख, और ट्यूसडे को इसकी हियरिंग होगी। मैंने एक बैकग्राउंड दिया है इस चीज़ का, लेकिन हायर एजुकेशन के जो इस किस्म के मामला थे इसके ऊपर हम सबको काफ़ी अरसे से तश्वीश थी, और इस तश्वीश को का इजहार जो है वो मैं करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर परवेज गुड भाई बैठे हैं, हारिस खलीक साहब HRCP के सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर नाजिर महमूद इन मामलों के ऊपर काफ़ी लिखते हैं और में, लिहाजा वो इन मामलों पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो मैं सबसे पहले परवेज आपसे मैं कहूँ कि आप इस, मैंने कुछ प्रिंट आउट्स निकाले हैं, कम हैं, कुल 10 हैं, तो मैं 9 इनमें से आपको दे सकता हूँ ताकि आप इस बात का सबूत भी अपने सामने रख सकें। जिन्होंने रिपोर्ट करना है उनको, हाँ उन्हें दे, जिन्होंने रिपोर्ट ये मुझे दें, मैं अच्छा। ठीक, तो फिर शुरू किया जी, जी आप करें, आप इस वक्त इस पे हैं। ठीक, तो तारिक बनूरी ने जो अदालत में चैलेंज किया है इसके ज़रूर कोई कानूनी नुक्ते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उस उन इल्मी नुक्तों पर बात करूंगा जो हमारे लिए बहुत बायस तशवीश है। मैं खुद एक प्रोफेसर हूं, साइंटिस्ट हूं, और हालांकि ये मेरा शोबा नहीं है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरा शोबा नहीं है, लेकिन सारी एकेडेमिया में, सारी यूनिवर्सिटियों में एक चीज़ मुश्तरक होती है, और वो ये कि जब आप साइंसी तहकीक करते हैं तो वो माने खेज होनी चाहिए और वो ईमानदारी से की जानी चाहिए। जैसा कि नैयर ने अभी आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक डायरेक्टिव जारी हुआ जिसमें ये कहा गया कि 3 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डॉक्टर अताहुर रहमान के साथ मुंसलिक हैं, इनका एहतसाब नहीं हो सकता, इसलिए कि इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया ने उसको मान लिया है, उनको सराहती है, लिहाजा यहाँ HEC या कोई मकामी इदारा ऐसा नहीं है जो इनका एहतसाब करने के लायक हो। जब डॉक्टर अताउर रहमान को TV प्रोग्राम में बुलाया गया, मेरा ख्याल है उनका नाम मोहम्मद मालिक है, तो जब मालिक ने इनसे पूछा कि ये आखिर क्या चीज़ है जो आपने बनाई जो इतनी उम्दा है जिसे कोई पाकिस्तानी जांच नहीं सकता, तो पहले तो वो बताने से हिचकिचा रहे थे, कहा कि ये तो नोबेल प्राइज़ विनर्स ने इसकी तारीफ़ की है और पूरी दुनिया इसको जानती है, तो मैं आपको क्यों बताऊं, आप क्या समझेंगे। खैर, मालिक ने बहुत इस पर इसरार किया, तो उन्होंने 4 बातें कहीं, और ज़रा देख लीजिए, ये आपके सामने है, जिन जिन के पास ये नोटिस, जिनके पास ये फोटोकॉपीज हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि हमने कोरोना वायरस के 120 मुख्तलिफ वेरिएंट्स जाने हैं, डिटेक्ट किए हैं, और ये इस बात की दलील है कि हम इस शोबे में पेश हैं। फिर दूसरी कामयाबी की दलील ये कि 40 ऐसे पैटर्न्स हैं, नई ईजादात आप कह सकते हैं, या ईजादात का आप का एक खाका
जिसे कॉपीराइट किया गया है, जिसे पैटेंट कहते हैं, ये 40 पैटेंट्स अमेरिका में जमा हुए हैं और उधर उन्हें मान लिया गया है। मजीद उन्होंने ये कहा कि हम हर साल 10 करोड़ रुपया कमाते हैं HEJ और ये दीगर इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए से, और ये भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये कि हमने हज़ारों तहकीकी मकाला जात छापे हैं और सैकड़ों किताबें, और इस वजह से HEJ और दीगर इंस्टीट्यूट्स अब दुनिया में माने जाते हैं एज द बेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सारे दावे झूठे, गलत और गुमराह कौन है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि इसकी पीछे वजह क्या है। जहां तक कोरोना वायरस वेरिएंट्स का ताल्लुक है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है DNA सीक्वेंसिंग का, और इसके लिए अब मशीनें मौजूद हैं जो DNA देखती हैं और उसकी अकसाम को अलग करती हैं, और इसके ज़रिए से 240,000 वेरिएंट्स पहले से जाने जा चुके हैं सिर्फ एक लैब में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में है इन मैरीलैंड USA। लिहाजा ये एक ऐसी चीज़ है, जैसा कि ना आप कहेंगे किसी यहाँ लैब में जाते हैं, अपना खून देते हैं तो उससे फिर जरासीम का पता चलता है, तो ये जरासीम नहीं है, ये वायरसेस हैं, लेकिन वायरसेस की इकसाम आप यूँ जान सकते हैं। सो इट इज़ ऑटोमेटिक, यू पुट इट इन, आउटकम्स दैट। अब अगर उन्होंने इसका तजिया किया होता कि क्या ये ख़तरनाक वायरस हैं, किस हद तक ख़तरनाक हैं, इनके फैलाव में क्या चीज़ ऐसी है कि ये आगे बढ़ सकते हैं या ख़त्म हो सकते हैं, अगर इसके ऊपर जैसा कि इंडिया में हुआ, एक इंडिया कोरोना वायरस है, उसका वो इंडियन स्ट्रेन है, अगर तो वो कुछ इस पर तजिया करते तो चलो शायद कुछ ना कुछ बात होती, लेकिन 120 ढूंढना इतने ज़्यादा लाखों वायरसेस में, तो ये तो फिर कोई बात ना हुई, और मशीनें भी सारी बाहर की आई हुई। चलिए आगे चलते हैं। उनका ये कहना कि 40 ऐसे पैटर्न्स हैं जो अमेरिका में इस वक्त कबूले गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन पैटर्न के माने तब बनते हैं जब उसे कमर्शलाइज किया जाए, यानी कि कोई उसे खरीदे और उससे फिर कोई चीज़ बनाए। वैसे तो पैटेंट आप हर चीज़ को कर सकते हैं, यू कैन पैटेंट अ न्यू काइंड ऑफ कैन ओपनर, या कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी वक़्त तब बनती है जब उसे कोई बुरोकार लाए, उसे इस्तेमाल करे, उसे मार्केट करे, उसे कमर्शलाइज करे। मैंने HEJ के वेबसाइट को पूरा छान लिया, लेकिन कहीं पर इसकी मुझे कोई ख़बर नहीं मिली कि कोई भी इनमें से कमर्शलाइज हो सका कि नहीं। लिहाजा ये कहना कि 40 पैटर्न्स हैव बीन एक्सेप्टेड मींस नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। जहाँ तक 10 करोड़ रुपए सालाना आमदन की बात है, ये मैंने HEJ के ज़राए से मालूम किया कि एक ही साल ऐसा है जिसमें इनको इतनी बड़ी रकम वसूल हुई, इससे पहले उससे बहुत कम था, उससे पहले उससे भी कम था। चलिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि अब 10 करोड़ रुपए सालाना वो इससे कमा रहे हैं, मगर पूछना है कि किस चीज़ से कमा रहे हैं। ये अपना इक्विपमेंट और अपनी सर्विसेज मार्केट में लोन करते हैं, बेचते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जो कमर्शियल लैब्स हैं, जैसा कि चुगताई लैब है, एक्सेल लैब्स हैं, वो बहुत कम लागत पर इससे कहीं ज़्यादा कमाते हैं।
जैसा कि नयन ने आपको बताया, 40 अरब रुपया HEJ और दीगर इंस्टीट्यूट्स पर खर्च हो चुका है, और अगर इस पर 10 करोड़ रुपया कमाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बहुत छोटी बात है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि HEJ का जो सालाना बजट है वो है 1 अरब रुपया। अच्छा, अब 1 अरब रुपया अगर आप बैंक में रखें और सूद की शरह 10% हो तो हिसाब लगाइए कितना बनता, 10 करोड़ रुपया। वही पैसा अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में डालते तो फिर कहीं ज़्यादा उससे मिल जाता, लेकिन सिर्फ बैंक में 10% की सूद के सूद पर आपको 10 करोड़ रुपया मिल जाता उस पर, तो ये तो कोई बात ना हुई। और हम 1 करोड़ की बात नहीं, 40 करोड़, 40 एक अरब की बात नहीं, 40 अरब की बात कर, जो पिछले 25-30 साल पर खर्च हुआ है इन इंस्टीट्यूट्स पर। लेकिन ये बातें फिर भी पीछे होके रह जाती हैं, अगर वाकई इन इंस्टीट्यूट्स ने कुछ इतना ज़बरदस्त काम किया होता कि पाकिस्तान अब साइंसी तहकीक में चोटी पे पहुंच चुका होता। अगर तो वाकई हमने पाकिस्तान में कोई ओरिजिनल साइंटिफिक रिसर्च की होती, और अगर ये पेपर्स और ये किताबें जेन्युइन होते हैं, असल होते हैं, तो फिर भी हम कह सकते थे कि चलो खर्चा तो खूब आया लेकिन कुछ तो हमने इसे हासिल किया। लेकिन अब मैं आपके सामने ये जो सफ़े हैं, आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सफ़ा नंबर दो पर देखें। ये है HEJ का एनुअल रिपोर्ट 2020। इसमें, अच्छा, ये रिपोर्ट बहुत मोटी है, मैंने इसका सिर्फ एक सफ़ा आपके सामने रखा है, क्योंकि आप इंटरनेट पर जाकर ये पूरी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या कुछ किया है या क्या कुछ करने का दावा किया है। बुक्स एंड जर्नल्स पब्लिश्ड, तो ये दो लोगों की किताबों की लिस्ट है, और ये सिर्फ पहला सफ़ा है, क्योंकि सिर्फ बुक्स 3 सफ़ों पर मुश्तमिल है, फॉर द ईयर 2020। तो ज़रा ये देख लीजिए कि पहला है अताउर रहमान एंड एम इकबाल चौधरी, टाइटल इज एंटी कैंसर ड्रग डिस्कवरी। ISBN नंबर भी दे दिया और साथ बताया कि पब्लिशर बेंथम साइंस पब्लिशर्स एम्स्टरडैम है। इसको देखकर तो दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि एम्स्टरडैम वेस्ट यूरोप, वहाँ तो कोई फजूल चीज़ें तो नहीं छपती है ना, कम से कम तासर तो ये है कि फजूल चीज़ें वहाँ नहीं छपती। इसी साल के 2020 के मैंने जो बाकी 20-25 किताबें, उनकी तो मैंने लिस्ट भी नहीं इधर बनाई, मगर टाइटल्स पे ज़रा गौर कीजिए, एक एंटी कैंसर है, एक साइंस ऑफ स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स है, एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंटी एंजियोजेनेसिस ड्रग, फ्रंटियर्स इन कार्डियोवैस्कुलर ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिज़ाइन एंड डिस्कवरी, मोटापे के लिए एंटी ओबिसिटी, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग डिस्कवरी, यानी कि कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है। उस साइंस को वहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया है, 25 किताबें, और उसके अलावा दर्जनों सैकड़ों पेपर सिर्फ 20-20 में। इसको देखकर तो एक आम आदमी बिल्कुल हैरान परेशान रह जाता है, वो कहता है कि मैं, ये तो खूब बहुत पहुंचे हुए जीनियसेस होंगे। अच्छा, अब चलिए पेज नंबर
3 पे। पेज नंबर 2 पे आपने क्या देखा? बेंथम साइंस पब्लिशर्स एम्स्टरडैम। अब आप गूगल पे जाइए, क्लिक करें बेंथम साइंस पब्लिशर्स, तो उनका मेन पेज सामने आता है। प्लीज गो टू पेज 3 और वहां आपको ये पता चलता है कि ये शारजा यूएई से छपता है। बेंथम साइंस इज एक्चुअली सेंटर्ड देयर, कम से कम ये लिखा हुआ वहां पे इन ऑन देयर मेन पेज बेंथम साइंस पब्लिशर्स का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे जाके देखें तो पता चलता है कि बेंथम यूएई में भी नहीं है, ये दरअसल कराची यूनिवर्सिटी में है और इसके असिस्टेंट मैनेजर का नाम है कामरान रिजवान और कोई खातून है सना वासिफ, शी इज़ द पब्लिकेशंस मैनेजर वगैरह। और मालूम होता है कि कराची यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है, यानी कि HEJ जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर है। गोया कि आपने ये सारी किताबें अपने बेसमेंट में छापी हैं, यानी कि कोई रोक नहीं उस पे, किसी को कुछ पता नहीं कि इन किताबों के अंदर क्या कुछ है, छाप दिया और छापा खाना वहां है, चलाए जा रहे। मगर उन किताबों के अंदर क्या है, मैंने भी खोल के देखा तो वो ये सारे फॉरेन प्रोफेसर्स हैं। तो जो अंदर की खबर मैंने मालूम की HEJ से, वो ये कि हर ऑथर को इन्होंने 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार डॉलर दिए हैं। तो 5-6 आर्टिकल जमा हो गए, आपने उस पर 60-70 हज़ार डॉलर खर्च किए, ऊपर नाम लगा दिया अताउर रहमान और इकबाल चौधरी का, हो गई एक किताब, दूसरी, तीसरी, 25 किताबें इस तरह साल में ये निकालते रहे। अब आगे चलते हैं पेज 4, ताकि बेंथम से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएं। बेंथम ओपन जो आप देख रहे हैं पेज 4 पे, ये कहते हैं कि अगर आपको अपना कोई सा भी पेपर छापना हो तो हमें भेज दीजिए, हम आपसे कुछ ज्यादा नहीं लेंगे, अगर 2 सफ़े का हो, इफ इट इज अ लेटर सबमिटेड टू अस, इट इज $750। लंबा होगा तो हम मांगेंगे आपसे $1,060, कुछ ज़्यादा हो गया तो $1,255 आपसे वसूल करेंगे। यानी कि आप निकालें डॉलर और हम इसे छापेंगे। इसकी किताबी शक्ल नहीं होती है, दिस इज ऑल ऑन द इंटरनेट, देयर इज नो प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस। बहुत अच्छा। अब इस तरह के जो प्रेडिटरी पब्लिशर्स हैं, ये प्रेडिटरी कहलाते हैं, तो आप जरा विकिपीडिया पे जाकर देखें बेंथम पब्लिशर्स को। तो यहां ये कहा गया कि दिस इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रेडिटरी पब्लिशर्स। प्रेडिटरी एक शिकारी जानवर को कहते हैं, वो जो हर वक्त शिकार के की तलाश में होता, और यहाँ शिकार किसका करना है, वो टीचर्स प्रोफेसर्स जो इस काबिल नहीं है कि वो नॉर्मल जर्नल्स में लिख सकें, लेकिन जिनको पब्लिकेशंस की ज़रूरत है वो या तो अपनी जेब से निकाल के देंगे या अपने इंस्टीट्यूशन से निकाल कर आपको डॉलर देंगे ताकि उनकी पब्लिकेशंस में इजाफा हो सके। तो ये प्रेडिटरी कहलाता है। अच्छा, शुरू में इसके साथ कुछ माकूल किस्म के लोग मुंसलिक थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ ये 2 नंबरी हो रही है, उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। तो इधर लिखा हुआ है, इन कॉन्सिक्वेंस सम एडिटर्स क्विट द कोलैबोरेशन विद बेंथम। इसको मैंने हाईलाइट करके किया, जरा लिखाई बारीक है। और फिर
In 2013, the Open Bioactive Compounds Journal was one of the journals that accepted an obviously bogus paper submitted as part of some sting operation. It has since been discontinued. यानी कि खुराफात, देखिए एक तो हो सकता है कि गलत पेपर हो, लेकिन एक तो ये हो सकता है कि खुराफात का ढेर आपने जमा किया, उसका मलबूबा बनाया, वो आपने उबूल कर लिया बगैर रेफरिंग के, बगैर जाने कि इसके अंदर क्या है। तो अब सफ़ा पलटें और आपको ये पता चलेगा कि ये बेंथम का कौन सा जर्नल था। इसके एडिटर इन चीफ हैं मोहम्मद इकबाल चौधरी, HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, कराची पाकिस्तान। तो ऊपर नोट फरमाएं कि बेंथम का इंसिग्निया है और लिखा है द ओपन बायोएक्टिव कंपाउंड्स जर्नल, दिस इज ऑन पेज 6। जब आप इस जर्नल के ऊपर क्लिक करते हैं तो पता चलता है इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड, यानी कि बेंथम को भी शर्म आ गई कि ये खुराफात कैसे हमारे यहां छप सकी। तो ख्वातीनो हजरात, ये सूरत हाल है। हमारे जो नेशनल हीरो हैं डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान और उनके जो शागिर्द हैं, एक दर्जे के झूठे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के हायर एजुकेशन को तबाह किया। और ये आज से नहीं, 2002 से, जब से HEC बना। तो अब मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म साहब से हमें ये मुतालबात करने चाहिए, अव्वल ये कि नैब को इनके पीछे लगाया जाए ताकि इनका एहतसाब हो सके। इन्होंने जो दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है, तो एक तो ये ना कि ये जो जर्नल्स की बात थी, लेकिन जो लूटा है, और ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बार बार कह चुका हूँ और पब्लिक में कह चुका हूँ, बल्कि यहाँ प्रेस क्लब में भी एक ये चंद दो ढाई महीने पहले हुआ था, मैंने कहा अताउर रहमान इज अ क्रिमिनल, ही शुड बी ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट, इसे जेल में बंद करना चाहिए। अब मैं इतनी दफा कह चुका हूँ मगर कोई वो एक्शन ही नहीं लेते मेरे खिलाफ। जब मैंने ये बात कही थी, बल्कि बहुत नर्म अल्फाज में कही थी एग्जैक्ट के बारे में, आपको याद है ना एग्जैक्ट का जो हुआ था, जो जाली डिग्रियां देते हैं कराची में, तो एग्जैक्ट ने 1 अरब रुपए का केस मेरे खिलाफ कर दिया था। जब मैंने नैयर बुखारी की बात की जिसने कायद आजम यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ, उसने भी 1 अरब रुपए का हर्जाना का मुझ पर पावर नहीं आ रही अदालत में केस कर दिया था। अब मैं इससे कह रहा हूं कि भाई तुमसे बड़ा चोर कोई नहीं, ले जाओ मुझे अदालत में। वो क्यों डरता? इसलिए कि मेरे पास वो सबूत है कि अगर वो उसने कभी अदालत में मुझ पे मुझे तंग करने की कोशिश की, वो सारा सामने आ जाएगा, लेकिन मेरे पास बहुत थोड़ा है। जितना और लोगों के पास है, वो किसी दिन अगर सामने आया और ये पोल खुला तो फिर उसकी खैरियत नहीं होगी। और चीजों के अलावा दुबई में इस शख्स के, अताउर रहमान के, बैंक अकाउंट हैं जिनका कागजी सबूत मौजूद है और जिससे अब वो इनकार भी नहीं कर सकता। तो ये पहला मुतालबा है। दूसरा ये कि जो एकेडमिक यहाँ प्रैक्टिसेस हैं जो गैर अखलाकी हैं,
और जिनकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है, उस पर भी उसका भी एहतसाब किया जाए। और तीसरा मुतालबा, और भी बहुत से मुतालबात हो सकते हैं लेकिन मैं बात अपनी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, कि इस वक्त जो दो तनख्वाहें मिल रही हैं इकबाल चौधरी को, जो अताउर रहमान का शागिर्द है और जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉम्सटेक है, जो इस्लामी साइंसी तहकीकी इदारा है इधर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर, उसे दो तनख्वाहें मिल रही हैं। एक तो HEJ के डायरेक्टर के तौर पर मिल रही है और दूसरा ये, एक को ऑनरेरियम कहा गया, दूसरे को सैलरी कही गई है ताकि लीगली वो बच सकें। दिस इज क्रिमिनल प्रैक्टिस। खुदा रा इन लोगों को जल्द अज जल्द जेल में बंद करो, इससे पहले कि ये मजीद नुकसान पहुंचा सकें इस मुल्क को। बस हम इसकी उम्मीद ही कर सकते हैं कि कहीं किसी को कोई होश आएगा कभी ना कभी। थैंक यू जी। मेरे ख्याल है कि डॉक्टर साहब ने जो बात की है, एक कनेक्शन है इस बात में, वो ये कि डॉक्टर साहब ने जो बताया तो एक ख्याल एक ये है और ख़ासा यानी मुस्तनद ख्याल है कि ये जो ग्रोह है जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया, डॉक्टर अताउर रहमान और दीगर, तो इनका इसमें बड़ा किरदार है इस ऑर्डिनेंस को टेबल करवाने में, चूँकि उनकी अपनी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह से जो हायर एजुकेशन कमीशन में जिस किस्म की तब्दीलियां लाई जा रही हैं और जो एहतसाब का अमल शुरू करने की बात हो रही है या सवाल पूछा जा रहा है, एहतसाब न भी कहें उसे, तो वो ना हो सके, और साथ साथ ये भी ख्वाहिश के किसी तरह से ये जो पोजीशन है ये दोबारा उनके पास जा सके, यानी एक ख्याल ये है। और इसके बड़े शवाहिद मिलते हैं जो आपको सब बताए हैं डॉक्टर साहब ने। ये तो डॉक्टर साहब की बात का एक हवाला था। अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं जो ख़ुद मुख्तार हैं उनकी ख़ुद मुख्तारी ख़तरे में है, और हायर एजुकेशन कमीशन उसकी एक मिसाल है। हायर एजुकेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और अगर किसी एक कमीशन के साथ ये हो सकता है तो ये एक रिवायत कायम हो जाएगी जिसके बाद कोई भी ख़ुद मुख्तार रियासती इदारा नहीं होगा। देखिए फ़र्क होता है हुकूमती इदारे और रियासती इदारे में। कुछ इदारे जो पार्लियामेंट के ज़रिए से कायम किए जाते हैं, जैसे मैं उसकी मिसाल दूँ आपको, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है। वैसे बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि दोनों इस वक्त डिफंक्ट हैं, लेकिन इस तरह के जितने भी इदारे हैं ये हकूमत के ताबे नहीं होते, ये रियासती इदारे समझे जाते हैं जिनको पार्लियामान बनाती है। तो ये एक तो ये एक इसमें एक नुक्ता है जिसे हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, ये पाकिस्तान के शहरीों के लिए, क्योंकि शहरीों का ताल्लुक रियासत से होता है। हुकूमतें शहरी मुंतखब करते हैं किसी आज़ाद जमहूरिया में, हमारे यहाँ तो उसका इम्कान भी कम ही रहता है, लेकिन जो भी हुकूमत आती है उसका उसकी एक मियाद होती है, रियासत की मियाद नहीं होती, और ये रियासत और शहरी के दरमियान इमरानी मुआहदा होता है, और जो भी रियासती इदारे हैं वो शहरीों के मफादात के तहफ़ के लिए कायम किए जाते हैं, ताकि उसमें जो लोग उस वक्त की हुकूमत के हलीफ हों और जो उस वक्त की हुकूमत के मुखालिफ हों उनके साथ यकसा सलूक किया जा सके, और कुछ जो बुनियादी फ़ैसले समाजी और शहरी मफादात के हों वो हकूमती फ़ैसलों से किताबें ना हों, और ये इसकी बुनियाद होती है इस तरह के कमीशन्स की। दूसरी बात ये कि जो एक आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हवाला दिया, एक सिंध हाई कोर्ट में भी पिटिशन है जो पहले से जारी है और उसका फ़ैसला अभी आना बाकी है, वो फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। डॉक्टर इश्तियाक यहाँ मौजूद हैं, वो उस पर तफसील आपको बता सकते हैं। तो दो पिटिशन हैं इस वक्त इस हकूमती ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़, और जो इसमें सबसे अहम नुक्ता है वो ये कि मौजूदा हुकूमत मुसलसल ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी करती है, जो एक कानून साजी का तरीका है। अगर आपकी पार्लियामान मौजूद है और पार्लियामान और सूबाई असम्बलीज़ भी मौजूद हैं,
तो जो भी प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन्स हैं या जो वफाकी सतह पर हायर एजुकेशन कमीशन है, इनसे मुतालिक फ़ैसले पार्लियामान के ज़रिए से होने चाहिए, इनसे मुतालिक कानून साजी पार्लियामान में होनी चाहिए, चूँकि ये पार्लियामान ही का मैंडेट है। ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि काबीना ने एक चीज़ मंजूर की और जल्दबाजी में वो सदर से साइन करा के एक मियाद के लिए, एक मुख्तसर 6 माह शायद उसकी लाइफ होती है, और उसको उसका नफाज किया, और उस नफाज के नतीजे में जो वो करना चाहते थे अपनी सवाबदीद जो उनकी नहीं है, जो जो लेकिन वो एक उनको एक एक यानी एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक आपके पास ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। दुनिया के दीगर जो एडवांस्ड ममालिक हैं जमहूरिया के तौर पे यानी जमहूरी तर्ज हुक्मरानी जहाँ है, पार्लियामान की सुप्रेमेसी से चैलेंज होती है जब भी कोई ऑर्डिनेंस जारी होता है। पिछले साल 11 ऑर्डिनेंसेस जारी हुए थे 2020 में, और ये भी आप ये 2021 में भी इसी तरह से ऑर्डिनेंसेस की सूरत हाल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला भी आपके पेश नज़र होगा कि वो भी कोशिश इनकी यही होगी कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए से, या जब ऑपोजिशन असेंबली के फ्लोर पे मौजूद ना हो तो वो जल्दबाजी में पास करा लिया जाए। तो जो कानून बनाने का तरीका है वो दूसरी अहम तीसरी अहम बात है कि किस तरह से आप कानून साजी करते हैं। और एक बिल्कुल ही आर्बिट्ररी फैसला है कि आप कोई भी कमीशन, अब इसकी एक अगर उसकी आप जो उसके उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि मेरे नज़दीक, मतलब मेरा तो ये शोभा नहीं है, प्रोफेसर नैयर यहाँ मौजूद हैं और दीगर भी यानी 3 मेजर प्रोफेसर्स इस वक्त पाकिस्तान के यहाँ मौजूद हैं, मेरा तो शोभा ये नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2 साल की मियाद जो है वो ये कोई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या प्रेस क्लब का इलेक्शन तो नहीं है ना, ये तो एक और तरह की सूरत हाल है। यहाँ आपको एक विज़न एक चेयरमैन या चेयरपर्सन लाता है या लाती है और फिर उसको उसको ट्रांसलेट करने में उसके नफाज में कुछ वक्त दरकार होता है। और ये तालीम का शोबा हमने तो बिल्कुल इसको जिसे कहते हैं माजरत के साथ गैर पार्लिमानी लफ्ज़ खिलवाड़ बना लिया है, मतलब इसे संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, चाहे वो बुनियादी तालीम हो जैसे कि सिंगल नेशनल करिकुलम का एक मसला इस वक्त दरपेश है हमें, और चाहे वो आला तालीम हो जो हायर एजुकेशन कमीशन के साथ इन्होंने किया, तो इससे हकूमत वक्त की जो तालीम की तरफ जो जो उसका उसकी जो सोच है और जो उसकी तरजीहात हैं वो हमें नज़र आती हैं। तो एक शख्स को हमें ये महसूस होता है कि 2 साल में एक रिमूव करने के लिए, ये एक शख्स को हटाने के लिए ऑर्डिनेंस है, तो मसला महज डॉक्टर तारिक बनूरी का नहीं है, उनकी जगह कोई भी फ़र्द हो सकता था, और मसला उनके बाद आने वालों का भी है कि अगर 2-2 साल के लिए एक आप चेयरमैन लगाते हैं तो वो चेयरमैन किस तरह से कोई भी मंसूबाबंदी करके उस पर अमल दरामद करा सकता है या करा सकती है। तो ये इस तरह के मैं समझता हूँ कि मसाइल हैं जिस पर तशवीश है बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स कमीशन को। और आखिरी बात यह कि मुझे ये महसूस होता है कि इस तरह के जब कवानीन बनाए जाते हैं फिर वो उन कवानीन के बहुत दूर रस असरात होते हैं, और उनके एक जब एक इदारा कोई तबाह हो जाए या इदारा अगर बनने की के प्रोसेस में है और उस दौरान उसमें कोई ख़राबी पैदा कर दी जाए तो वो इतनी आसानी से दुरुस्त नहीं होती। जो ख़राबी पैदा हो जाती है एक मर्तबा वो इतनी आसानी से दुरुस्त नहीं की जाती। आपके इल्म में होगा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ मुख्तलिफ सीधरा लेकिन इससे जुड़ी हुई, कि जब कानून बनता है, जब हदूद ऑर्डिनेंसेस नाफिज हुए थे पाकिस्तान में और ख़वातीन के को जिस पे हदफ बनाया गया था जो कानून साजी हुई थी उस वो आज भी वो सरकमवेंट आपको करने पड़े विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट के ज़रिए से, उनका रिपील नहीं हुआ है अभी भी, ये मैं आपको याद दहानी करा दूँ। तो इतनी आसानी से कोई कानून जब एक दफ़ा बन जाए, चाहे वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए से बने और फिर उसको बुलडोज करा दिया जाए असेंबली से, चाहे कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली, उसके बाद उसकी वापसी आसान नहीं होती। तो जितने भी हम ये नकायस पैदा करते हैं जो जो सुकम हैं हमारे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेके और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेके और हमारी लॉ मेकिंग तक और लॉ मेकिंग से लेके प्रोसीजरल कोर्ट्स तक, वो सारे जब एक मरतबा आप उसे ख़राब कर देते हैं तो ख़राब करना तो आसान होता है किसी की ईमा पर और किसी की किसी के मफाद के लिए, मगर उसको दुरुस्त करने में बहुत तवील अरसा दरकार होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए जो पाकिस्तान के जो कंसर्न सिटीजन हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो सहाफ़ी हैं, वकील हैं, दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कारकुन हैं, सियासी अकाबरीन हैं,
उन सब की शायद ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन इन मामलात पर नज़र रखें और इसके सद्दबाब के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब, डॉक्टर नाज़िर साहब। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा कि वो बातें ना दोहराऊँ जो डॉक्टर परवेज हुद भाई और हारिस फरीक साहब कह चुके हैं। तफसील से डॉक्टर परवेज हुद भाई ने भी बाकायदा दस्तावेजी हवालों के साथ चीज़ें अपनी हमें बताई बहुत आसान अल्फाज में। हारिस ने भी कुछ कानून साजी के बारे में बात की। मैं इसको ज़रा सा वसी पस मंज़र में थोड़ा देखना चाहता हूँ। हमें पूरे ये 20 साल में जो कुछ हुआ है इस पर एक मुख्तसर हमें एक नज़र डालने की ज़रूरत है। देखें, हायर एजुकेशन कमीशन जो बनाया गया परवेज़ मुशर्रफ़ के दौर में, ये हमारी रियासत और ख़ासतौर पर आमिराना दौरे हुकूमत में जो टेक्नोक्रेट्स का रवैया होता है उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, चाहे वो अताउर्रहमान साहब हों या डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हों या सबर मुबारक मंद हों, इन सब का हीरो तो बन जाते हैं बल्कि हीरो बना दिए जाते हैं। और इस तरह के टेक्नोक्रेट को हीरो बनाने का मकसद सियासी भी होता है, क्योंकि जो हुकूमतें हैं, जो आमिराना ख़ासतौर पर डिस्पेंसेशन होता है, उनको इस तरह के सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों की हिमायत की ज़रूरत होती है ताकि वो एक अपना चेहरा पेश कर सकें कि जी हमने एक बड़ी आला तालीमी याफ्ता पढ़ी लिखी जो है हुकूमत आपको दी है, और इसके जो चीज़ें जिन लोगों के हाथ में हैं जो चला रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल लोग हैं, तो इस तरह से लोग मरूब हो जाएं। तो इसके पस मंज़र में जब ये बनाया गया, आप लोगों को याद होगा कि इसमें इसके पीछे लोग कौन थे। इसमें शम्स कासिम लाखा को शामिल किया गया, बाबर अली साहब को शामिल किया गया, और भी दो चार नाम थे। और कहा यह गया कि जी ये एजुकेशनिस्ट हैं, ये एक यानी कमीशन से भी पहले एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। अच्छा, एजुकेशनिस्ट, मुझे इस पर ज़रा सा एतराज़ ये होता है कि कोई बिजनेसमैन अगर कोई स्कूल चला रहा है या कोई यूनिवर्सिटी चला रहा है तो उसको एजुकेशनिस्ट कहना बुनियादी तौर पर ठीक नहीं है। अगर शम्स कासिम लाखा साहब आगा खान यूनिवर्सिटी के उस वक्त आला तरीन अहदेदार थे, सरबरा थे, तो इट डज़न्ट मेक हिम एन एजुकेशनिस्ट। सिमिलरली अगर बाबर अली साहब लम्स चला रहे हैं तो एक वो तो एक इदारा चला रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक पोजीशन है उनके पास है, तो उनको माहिर तालीम कहना या एजुकेशनिस्ट कहना ये बुनियादी तौर पर गलत है। तो इन लोगों के हाथ में ये दे दिया, और इनको सपोर्ट किसकी होती है, उस वक्त भी सपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट थी। अच्छा, और वर्ल्ड बैंक हायर एजुकेशन जी और यूएसएड की। अच्छा, अब सवाल ये, और डॉक्टर अताउर्रहमान बार बार अपनी तहरीरों में, उनके जितने आप मजामीन पढ़ लें अखबारात में, जंग में भी लिखते हैं, छपवाते हैं, बाकायदा ऊपर से डंडा आता है कि जी ये छापा जाए, जंग में छापा जाए, द न्यूज़ में छापा जाए, और वो सारे आप उनके मजामीन जो अखबारी हैं वो लेकर देख लें, उसका मतन एक ही होता है, यानी हिर फिर के वो यही बात कर रहे होते हैं कि जी हमने बहुत अच्छा किया, हमारा काम बहुत अच्छा था, और मैं जब परवेज़ मुशर्रफ़ के दौर में था तो मैंने तो इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो वर्ल्ड बैंक की और वो फिर बार बार वर्ल्ड बैंक की एक दो रिपोर्टों के हवाले रिपोर्ट्स के हवाले देते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ये कहा। वर्ल्ड बैंक या IMF ये कोई अवाम दोस्त इदारे नहीं हैं, ये बात माननी चाहिए। अच्छा, और वो जो जब इसकी चूँकि ज़ाहिर है कि उनकी आमराना हुकूमतों से ख़ास लगाव होता है, चाहे वो अमरीका हो या वर्ल्ड बैंक जैसे, उनको इससे सरोकार नहीं होता कि जी ये एक प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं। हम ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट्स की मिसालें दे सकते हैं जो वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किए जो नाकाम हुए, जो कि तालीमी नहीं थे। वैसे भी आप देख लें, बड़े मशहूर केस हैं लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन और राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन के, अरबों रुपए उसमें ज़ाया किए गए और वो दोनों बिल्कुल नाकाम हो गए और हमारे अरबों रुपए उसमें ज़ाया हो गए। तो किसी चीज़ को वर्ल्ड बैंक की अगर सपोर्ट हासिल है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ठीक होगा, बल्कि ज़्यादा इम्कान इस चीज़ का है कि उससे कुछ ना कुछ खराबा निकलेगा। तो वो एक ख़राबी की बुनियाद वो रखी गई। हायर एजुकेशन कमीशन ने उस अपने इब्तदाई 10 साल में जो कुछ किया उसमें इन्होंने सबको इसी तरह की जाली पब्लिकेशंस पे लगा दिया, जो प्रोमोशन का तरीक़ाकार था वो तब्दील कर दिया, पेपर्स जाली पेपर्स छपवाना, एक रेस एक दौड़ लग गई आला तालीमी इदारों में कि सब किसी ना किसी तरह, जिसको कहते हैं ना बाई हुक और बाई क्रुक, आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ छपवाएं, चाहे वो जाली ही इस तरह की पब्लिकेशंस हों जो अभी परवेज हुद भाई साहब ने कही, तो उस तरह की पब्लिकेशंस की जाएं और अपने CVs को मोटा किया जाए और ये दिखाया जाए कि जी हमने 200 300 400 यानी जो हज़ारों की तादाद में पब्लिकेशंस वो क्लेम करते हैं, अगर देखा जाए तो लगता है कि शायद वो हर रोज़ एक आर्टिकल लिख के छपवा रहे थे अपना, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब उसको जो वो 10 साल में जो कुछ हुआ शुरू के 10 साल में,
उसका नुकसान दो तीन बड़े नुकसान हुए। एक तो इतनी बड़ी तादाद में यानी कई गुना हायर एजुकेशन कमीशन का बजट बढ़ाया गया, उससे जो असल फोकस होना चाहिए था हमारा, हमें चाहिए था ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन कमीशन, टर्शरी एजुकेशन कमीशन। टर्शरी एजुकेशन कमीशन से मतलब यह कि हमारी कॉलेज एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड है पाकिस्तान में, जो जो इंटरमीडिएट जिसको हम कहते हैं, ज़्यादातर आप देख लें जिस पे कोई बात नहीं होती, इंटरनेशनल डोनर्स के प्रोजेक्ट नहीं आते, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब शोभा हमारा कॉलेज एजुकेशन का शोभा है, जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं। हमें उस एक टर्शरी एजुकेशन कमीशन की ज़रूरत थी कि जो कॉलेजों से, क्योंकि जब हम आपके पास कचरा आ रहा है तो आप बेशक 1200 गुना हायर एजुकेशन कमीशन का बजट बढ़ा दें, जब आपके पास कॉलेजेस से कचरा आएगा, सरकारी कॉलेजेस से, तो वो बजट जो है वो किस कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा जहाँ डॉक्टर परवेज उद भाई ने जिस तरफ इशारा किया कि वो सब ये लोग खाएंगे बैठ के, यानी जो डिसीजन मेकर थे डॉक्टर अताउर रहमान और उनके हवारी जो कुछ थे, जो कुछ उन्होंने किया वो इसीलिए मुमकिन था कि उनके पास इतना पैसा था। अब हमें क्यों फिक्र है, हमें फिक्र इसलिए है कि जो अरबों रुपया 40 अरब 50 अरब रुपया जाता है, ये हमारा पैसा है, ये अवाम का पैसा है, इससे कुछ बेहतर चीज़ें होनी चाहिए थी, इससे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन को बेहतर होना चाहिए था, फिर कहीं जाके हायर एजुकेशन का नंबर आना चाहिए था, लेकिन वो सारा बाईपास कर दिया। नतीजा ये है कि सन 2000 में हमारा जो खानगी का तनासुब मुल्क में था वो तकरीबन 50% था, आज हमारा 20 साल बाद हमारा खानगी का तनासुब 60% है, वो भी खानगी कहना उसको मुश्किल है। जो हायर एजुकेशन कमीशन में इनरोलमेंट का तनासुब था हमारा सन 2000 में 4-5% था, आज हमारा वो 9-10% है। 9% अगर आप लगाएं हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट रेट है हमारा, यानी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हायर एजुकेशन में जितने बच्चों को होना चाहिए उस एज के जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चे हैं, हमारे नौजवान यूथ है, अगर 100 हैं तो 100 में से सिर्फ 9 बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, 95% बच्चे हमारे हायर एजुकेशन में जा ही नहीं रहे, तो वो पैसा सारा कहाँ गया, वो पैसे इस तरह से ज़ाया किया उन्होंने। अच्छा, एक कोशिश ये की गई, अब ये तो शुरू के 10 साल की बात थी, दूसरा जो डेवलपमेंट हुई जो कि अच्छी डेवलपमेंट थी जिससे शायद कुछ अच्छा नतीजा निकल सकता था, वो थी 18 अमेंडमेंट, जिस पर हमने अभी बात नहीं की, हमें करनी चाहिए। 18 अमेंडमेंट एक अच्छी कोशिश थी जिसमें बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि वो एक जमहूरी अमल के जरिए हुआ था, उसमें तमाम सियासी जमातें जो उस वक्त रिप्रेजेंट कर रही थी वो मौजूद थी, उसमें ये बिल्कुल क्लियरली लिख दिया गया, अभी भी वो टेक्स्ट आप उठा के देख लें, कि एजुकेशन इज डिवॉल्व एट ऑल लेवल फ्रॉम एलिमेंट्री टू हायर एजुकेशन, ये डिवॉल्व उसमें हो गया। लेकिन ये हो क्यों नहीं पाया, हो इसलिए नहीं पाया कि उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसका उनको ना इख्तियार था ना हक था, जैसे उन्होंने और बहुत सारे ऐसे काम किए जो गोइंग बियॉन्ड उनकी अपने मैंडेट से आगे बढ़ के उन्होंने फैसले दिए, वो एक अलग बहस है कि उन फैसलों का मुल्क को क्या नुकसान हुआ जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं देने चाहिए थे। वो इफ्तिखार चौधरी ने उस वक्त एक, चूंकि वो जाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जी हायर एजुकेशन डिवॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, मैं डेवोल्यूशन की बात क्यों कर रहा हूँ, डेवोल्यूशन यानी हायर एजुकेशन की, डेवोल्यूशन की बाज लोग इसलिए मुखालफत करते हैं कि जी देखें सूबों के पास तो कैपेसिटी नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जो हायर एजुकेशन में लोग आ रहे हैं वो आसमान से आ रहे हैं, वो भी तो हमारी उन्हीं यूनिवर्सिटीज से निकल के आ रहे हैं। पंजाब हमारा इतना बड़ा सूबा है जिसकी 10-12 करोड़ की आबादी है, उसमें इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं दर्जनों, उन्हीं में से लोग निकल के हायर एजुकेशन कमीशन में किसी न किसी अहदे पे पहुँचते ना। तो ये आर्ग्यूमेंट कि जी सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है, प्रोवेंसेस के पास जो हायर एजुकेशन कमीशन में जो लोग लगाए जा रहे हैं वो भी इन्हीं सूबों से आ रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी यह है। अब बात को मुख्तसर करके अब आगे की क्या सूरत हाल है, एक तो मुतालबा जो इन्होंने पेश किए परवेज हूद भाई साहब ने कि जो जो करप्शन हुई है इस हायर एजुकेशन कमीशन के पैसे की, उसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और नैब को इस सिलसिले में एक्शन में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आते, इसलिए नहीं आते जैसे मैंने पहले अपनी जो गुफ्तगू का आगाज़ किया कि जो इस तरह के जो टेक्नोक्रेट होते हैं तो उनके जो फैसला साज कुवतें हैं उनमें ख़ास कनेक्शंस होते हैं, चाहे कोई भी हुकूमत आती जाती रहे, इसलिए वो अपनी छतर छाया एक ले लेते हैं, प्रोटेक्शन ले लेते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं बनते, तो ये केसेस बनने चाहिए और उनको कटहरे में लाना चाहिए। दूसरी जो मुतालबा जो हारिस खलीक साहब ने किया कि कानून साजी जो है वो बेहतर होनी चाहिए, ऑर्डिनेंस के ज़रिए किसी भी चीज़ को मैनेज करना इंक्लूडिंग एजुकेशन गलत है। और तीसरा मुतालबा जो मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा वो ये है कि 18वीं तरमीम पे इन लेटर एंड स्पिरिट अमल होना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन हैज़ बिकम अ रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई इसके इसके क़याम का, इसके मौजूद रहने का कोई जवाब नहीं है।
अगर ये रहे किसी सूरत में तो सिर्फ इस सूरत में रह सकता है कि जी ये अपने कोई रिसर्च का काम करे, कुछ स्टैंडर्ड बनाए, कोई गाइडलाइंस बनाए और ये प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन के साथ शेयर कर ले और ये प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन का काम हो कि वो डिसाइड करें कि हायर एजुकेशन कमीशन की किन बातों को माना जाना चाहिए, किन बातों को नहीं माना जाना चाहिए। तो ये मेरा मुतालबा जो है वो यही है कि हायर एजुकेशन कमीशन की का जो दायरा कार है, दायरा इख्तियार है, उसको बिल्कुल महदूद कर देना चाहिए और ज़्यादातर इख्तियार है। और ये क्यों नहीं किया जा रहा है ये भी मैं बता दूँ, किया इसलिए नहीं जा रहा कि ये पैसों का मामला है। यानी इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त जो हायर एजुकेशन का जितना पैसा है वो हायर एजुकेशन कमीशन के पास जाता है। हायर एजुकेशन कमीशन चूँकि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ही एक जानशीन इदारा है, तो जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो पैसे आगे देता था, इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन भी पैसे देता है। तो वो पैसों का असल मसला है, पैसे ये सेंटर में रखना चाहते हैं। मैं जो डेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो सारा पैसा जो हायर एजुकेशन कमीशन में इस वक्त जाता है, उस पैसों को सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन में मुंतकल किया जाए और उनको स्ट्रेंथन किया जाए और उनकी अकाउंटेबिलिटी को बेहतर किया जाए। मैं यही कहना चाहूँगा। यानी जो सिंध हाई कोर्ट में था वो तो लास्ट टाइम उसकी मेरे ख्याल फ्राइडे को या थर्सडे को थी और उसकी जजमेंट आएगी मेरे ख्याल में 10 दिन तक। वो उसमें जो मुद्दा उसके अंदर ये है कि वो तारिक बनूरी साहब कोर्ट में गए थे और वो एक जो उसका सेंट्रल पॉइंट है वो पर्सन स्पेसिफिक वाला है, वो को वाइडर उसको ऑर्डिनेंस को टच नहीं करता मेरे ख्याल में। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की एक पिटीशन, वो चूँकि वो बोलते हैं कि ये CCI का डोमेन था, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन है, इट्स नॉट अ फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसमें प्रोविंशियल यानी कंपोजिशन भी है, तो वो उस लेवल के ऊपर है। फिर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक लॉयर ने किया था इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने ऑर्डिनेंस का जो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया है ना कि सर्कुलेशन से करा लिया ये वो, उसको चैलेंज किया था। तो लास्ट जो पिटीशन है जिसका आज जिसके ऊपर हमने, वो है सिविल सोसाइटी, एकेडमिक्स, ऑथर्स, दे गॉट टुगेदर 10 ऑफ देम, उन्होंने ये किया इसके 8 तारीख को, यानी इट वॉज टेकन अप और ये 8 को इसका वो होगा। तो हो सकता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 पिटीशंस हैं वो कंबाइन हो जाएं, बेंच क्रिएट हो जाए, ये 8 को ही पता चलेगा। लेकिन ये कि बहुत अच्छी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको टेकअप किया है। मैं जो यानी आई हैव सर्वड एज अ वाइस चांसलर, मैं सरगोधा यूनिवर्सिटी तकरीबन दिसंबर 2016 से 28th ऑफ मई दिस मंथ पिछले महीने तक, यानी अपार्ट फ्रॉम हालात पंजाब में बड़े ख़राब हैं, पंजाब के अंदर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का कोई रोल नहीं है। वहाँ पे पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसमें कॉलेज कैडर के डेप्यूटी सेक्रेटरीज एंड सेक्शन ऑफिसर्स जो 12-13 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं और वर्चुअली दे रन दी यूनिवर्सिटीज़, और वाइस चांसलर्स का भी हालत ये है कि हम तो चलो सेंटर से गए कुछ एक्सपोजर से तो स्टैंड ले लेते हैं चीज़ों पर, लेकिन ये कि बहुत बुरे हालात हैं, मतलब जिस तरह का वहाँ पे कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल और ह्यूमिलिएशन है। सेकंड ये कि जहाँ तक HEC का मामला है, हमने ये देखा है कि पिछले 2.5 साल से जब से तारिक बनूरी साहब आए थे बड़ी मेजर रिफॉर्म्स हुई हैं। उसको क्रिटिसाइज़ आप एक लेवल पे कर सकते हैं कि मसलन PhD पॉलिसी जो है उसको डिलिब्रेट नहीं किया ज़्यादा, ये गिला लोग करते हैं, लेकिन राइट फ्रॉम डे वन एक जो इन्होंने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम शुरू किया था, मैं तो बड़ा वोकली उसको मैं चैम्पियन करता रहा हूँ हर जगह जा पे कि वो क्या कि हैविंग लिव्ड इन टर्की फॉर 6 ईयर्स, प्राइम टाइम मैंने वहाँ पे गुजारा है, 5-6 साल वेस्ट के अंदर भी रहे हैं, तो वहाँ हैरानी होती है कि यानी ज़्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाते, यानी वो स्कूलिंग लेके टेक्निकल स्किल्ड एजुकेशन लेके फॉरेन मार्केट के अंदर जाते हैं। हार्डली जो समझते हैं कि जी उनको एकेडमिया ज्वाइन करनी चाहिए या मज़ीद पढ़ना चाहिए, तो एक ऐसी कंट्री के जहाँ पे यूथ बल्ज है, जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन यंगर, तो वहाँ पे तो हमें ऐसे प्रोग्राम लाने चाहिए ताकि स्किल्ड ग्रेजुएट्स हम अर्ली स्टेजेस में प्रोड्यूस करके और मार्केट में अपना वो बाहर भी जाएँ।
तो उसके लिए ये ADP जो ट्रांजिशन थी BA BSc और MA MSc से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी। एंड आई फंडामेंटली बिलीव एंड आई हैव सेड सो कि हायर एजुकेशन इज़ अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट, और ये प्रिविलेज शुड बी एक्सटेंडेड ओनली टू द फ्यू हु हैव द कैपेसिटी एंड द विलिंगनेस। तो इसलिए ये जो ट्रांजिशन आ रही थी मेरे ख्याल में पिछले 2.5-3 साल से, बहुत इम्पॉर्टेंट थी। देखें, अफराद मैटर नहीं करते, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड होते हैं ओवर टाइम, और इंस्टीट्यूशंस बिल्ड होते हैं जब पॉलिसी रिफॉर्मेशन के साथ, और अगर एक मेजर रिफॉर्म्स आ रही है, एक मेजर ट्रांजिशन इज़ अंडर वे, तो उसको एनकरेज करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसे कंट्री के जहाँ पे बल्क ऑफ पॉपुलेशन इज़ यूथ, और बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। यानी सम टाइम आई हैव प्रेजाइडेड ओवर यूनिवर्सिटी, मैं आपको सिंपल से एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है बात करने की, हमारे उस्ताद हैं कि 24,000 स्टूडेंट्स, 150 प्रोग्राम्स, और प्रोड्यूस आप क्या कर रहे हो? और अगर ये 18 साल से नंबर्स गेम चल रही थी, इवन इफ आई स्पेंड 4 years और सो, कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं कर सकते, क्योंकि वो गंद पड़ चुका है। और वो गंद इस तरह पड़ा कि ये इन्होंने नंबर्स गेम जब 2002 से की, मतलब देखें ना आप डाइकोटोमी देखें, UGC था, 20+ यूनिवर्सिटीज़ थी, हर यूनिवर्सिटी नाम जानी जाती थी क्वालिटी एजुकेशन से, और जो कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज़ बने वो भी क्वालिटी एजुकेशन से जाने जाते थे, इवन जो कॉलेज मैं, यानी हमारा कॉलेज था वहाँ पे, इन्होंने बेड़ा गर्क किया नंबर्स के ऊपर आके। फिर क्या हुआ कि इवन HEC के कंट्रोल से कुछ यूनिवर्सिटीज़ निकल गई कि भाई हमने तो आपको भी नहीं सुनना जब तक नंबर्स की गेम थे। सो हियर आई गो टू दिस यूनिवर्सिटी के जहाँ पे 5 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैंपसेस थे, सरगोधा, ए वेरी रूरल काइंड ऑफ अ प्लेस, ओपनिंग 2 यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग इन फैसलाबाद, 1 इन लाहौर, 1 इन गुजरावाला, 1 इन मंडी बहाउद्दीन। एंड दिस इज़ अ स्टेटमेंट आई मेड बिफोर द चीफ जस्टिस व्हेन द NAB इंटरवीन्ड, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली लोग अरेस्ट हो गए थे। उनको मैंने कहा कि जी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का है, जिसमें हमारे पास लैब्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, विजिटिंग फैकल्टी है। हम साल में 120 एडमिट करते हैं, और वन ऑफ दीज कैंपस अलोन, आई स्टेटेड दिस इन द कोर्ट, एक कैंपस अलोन ने 1370 एडमिट किए, सिर्फ एक कैंपस ने। तो सरगोधा वह एक यूनिक केस था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्राइवेट वेंचर्स इन हिस्ट्री। उसके बाद ये जब स्कैंडल ब्रोक हुआ, पीपल गॉट अरेस्टेड, 4 जो ओनर्स थे उनको अरेस्ट किया, वाइस चांसलर गॉट अरेस्टेड, 1 साल जेल में रहा, प्ली बारगेन के अंदर 218 million हमने उनसे रिकवर किया, 9 करोड़ रुपया हमने स्टूडेंट्स को वापस किया बिकॉज ओवर एंड अबव यूनिवर्सिटी अप्रूव रेट्स उन्होंने चार्ज किया हुआ था। लेसन क्या है? लेसन ये है पिछले 18 साल का कि जब आप क्वांटिटी को प्रेफर करेंगे क्वालिटी के ऊपर, और इस प्रोटेक्ट के वे जी एक्सेस टू हायर एजुकेशन देनी है, जब आप एक्सेस पे फोकस करोगे तो क्वालिटी और रेलेवेंस कंप्रोमाइज होगी। ये सिंपल सा लेसन है। इस चीज़ को पिछली 2.5-3 साल से जो रिफॉर्म्स हो रही थी HEC के अंदर, वो थोड़ा सा इसको और ये डेवोल्यूशन की तरफ भी बात जानी थी, तो असल में तो वही बात है ना कि पेट्रोनेज स्ट्रक्चर से आपने एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बेस्ड उसके ऊपर लेके आना है, और कम बच्चों को आपने आला तालीम देनी है, बड़े बच्चों को आपने स्किल्ड एजुकेशन दे के मार्केट के अंदर उतार देना है। अदरवाइज ये पीसीज ऑफ डिग्रीज एंड आई लेट मी ऑल्सो कंक्लूड बाई सेंग, किबला याज साहब को, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर बाकी तो चीज़ें यानी असाइड, आप इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन हैं, कि मेरा यानी आई एम प्रिजाइडिंग ओवर परहैप्स द ग्रेटेस्ट स्कैम ऑफ अवार्डिंग थाउजेंड्स ऑफ MPhil डिग्रीज एंड PhD डिग्रीज। अब ये 61 जो लोग अपना इस वक्त रिमेनिंग है इस्लामिक एंड अरेबिक स्टडीज़ में PhD कर रहे हैं, ये टॉपिक्स की मैं आपको लिस्ट भेज रहा हूँ, इसको टॉपिक्स को आप पढ़ लो कि ये PhD के टॉपिक्स हैं, ये तो मास्टर ऐसे भी नहीं बंदा करवा सकते इन चीज़ों के ऊपर। सो प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें दुरुस्त होने की तरफ एक छोटी सी काविश शुरू हुई थी,
और उसको ये जो है पिछले 4 महीने से जो क्राइसिस है ये बड़ा अपना इंतहाई अलार्मिंग है और आई थिंक दी हायर जुडिशरी शुड इंटरवीन और जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे हुलबाई साहब ने कहा ये हमारे उस्ताद हैं मेरा इतना मैं यानी मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन इन्होंने जो बात की है कि भाई ये जो फ्रॉड हो रहा है हायर एजुकेशन के नाम से पिछले 18-20 साल से 30 साल से कम अज़ कम इसके ऊपर ध्यान दें इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी अब अवेलेबल है तो आई थिंक समटाइम रियलिटीज़ कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड ऑल द टाइम एक्सपोज होती हैं चीज़ें तो इसीलिए ये मेरे ख्याल में महफल थी आज की थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच तो जनाब आपने गुफ्तगू सुनी सवाल आपके आएंगे उसमें मेरे ख्याल में एक बात जो इश्तियाक साहब ने बताई है वो इम्पोर्टेंट है कि मुशर्रफ के दौर में जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को तब्दील करके हायर एजुकेशन कमीशन बनाया गया तो उस वक्त जो सोच सबसे ऊपर हावी रही वो यही थी कि नंबर्स बहुत कम हैं हमारे पास हायर डिग्रीज़ के और हमें नंबर्स बढ़ाने हैं यूनिवर्सिटियाँ बहुत कम हैं हमारे पास यूनिवर्सिटियाँ हमें बढ़ानी हैं मगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती उसका कोई जिक्र नहीं पूरी करने के लिए जो माली ज़रूरियात थी उसके लिए तो उन्होंने पैसा बहुत लिया उससे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का बजट अगर सिर्फ 4-5 तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का बजट 4-5 बिलियन रुपये होता था तो वो बढ़ के 50-60 बिलियन रुपये हो गया इस वजह से कोई कमी नहीं रही पैसों की लेकिन जो 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 सही सलाहियत के लोगों की कमी ऐसी रही यूनिवर्सिटियाँ तमाम की तमाम और तबाह हालिए में हैं ये एक जो ख़ास बात है वो ये है कि पिछले इन 20 सालों में ये जो इतनी बहुत सी यूनिवर्सिटी अब 220 यूनिवर्सिटियाँ हैं इस वक्त हर यूनिवर्सिटी से PhD के डिग्री ले के लोग निकलते हैं और इतनी ये चीज़ें आम हो गई हैं यही तमाम लोग इस वक्त अपनी इन डिग्रीज़ के नाते से लीडरशिप के ख्वाहां हैं वो समझते हैं वो लीडरशिप जो कम सलाहियत के लोगों को आपने इनके इस काबिल बनाया है वो जब पहुंचेंगे बड़ी पोजीशंस के अंदर तो वो क्या कुछ करेंगे अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ वो हम आजकल देख रहे हैं अपने अतराफ़ में हम वो आजकल देख रहे हैं कि जहाँ पे वो लोग इस लिहाज से आगे बढ़ के पहुँचे और उनके नज़दीक भी सब कुछ यही है कि आप किसी तरीके से जिस तरीके से भी हो सके पब्लिकेशंस करें और समझ लें कि बस आप आलिम हो गए ये सूरत हाल है ख़राब जो जिसका इस वक्त सामना है मैंने ये बात इस वक्त छोड़ी थी जी अगर आप इजाज़त दें एक छोटी सी बात यह कि यहाँ 3 लोगों के नाम लिए गए इस ऑर्डिनेंस की यानी कि ख़राबी का आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि इसका जो ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर को 100 लोगों ने जो सबसे पहले पिटिशन से पहले जो ख़त लिखा गया उसमें डॉक्टर शम्स कासिम लाखा सैयद बाबर अली और डॉक्टर क़िबला अयाज़ जो कि इस वक्त चेयरमैन हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के ये तीनों शामिल हैं यानी उन तीनों ने भी इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया यानी इससे आप यानी पिछले जो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह हैं उनको तो हल किया जाना चाहिए लेकिन इसकी ख़राबी का आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें दूसरा ये कि अच्छा वो खैर एक अलग बहस है वो डॉक्टर साहब से मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ख्याल है कि हायर एजुकेशन राइट है लेकिन चॉइस होनी चाहिए क्योंकि 22 करोड़ का मुल्क है यहाँ 220 यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ नहीं है लेकिन क्वालिटी एक और चीज़ है क्वालिटी बहुत हाँ सर हासिल गुफ्तगू हो गई आप सबका शुक्रिया